वसई विरार में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए काम कर रही पेहर पुलिस स्टेशन की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की पेहर पुलिस ने दो हिस्ट्री सीटर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो शहर में बेहद सातिर तरीके से चोरियां कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए दोनों बदमाशों में जिसमें से एक का नाम इरफान अंसारी उर्फ छोटे और दूसरे का नाम सफीउल्लाह उर्फ सोनू है। यह दोनों चोरी करने में मास्टर हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में वसई रेलवे परिषद, मुंबई के गोरेगांव और नालासोपारा के अचोले क्षेत्र और वसई विरार के क्षेत्र में ताबड़तोड़ चोरियां कर पुलिस की नींद हराम कर दी थी। इन दोनों आरोपियों के ऊपर पहले भी 11 मामले दर्ज हैं और हाल फिलहाल 15 नए मामलों का खुलासा हुआ, तो कुल मिलाकर 26 मामलों के आरोपी हैं ये दोनों सातिर चोर। सफीउल्लाह और इमरान अंसारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से चोरी की अलग अलग कंपनियों की 20 मोबाइल फोन जब्त किए हैं और मोटरसाइकिल और सोने चांदी के गहने और 16,200 रुपए कैश, जिसकी कुल कीमत 4,04,100 रुपए बनती है, जो पुलिस ने जब्त किया है। सर, पेहर पुलिस स्टेशन ने दो आरोपी पकड़े हैं चोरी के मामले में, इस बारे में क्या जानकारी है? इसमें क्या, हमारे यहाँ साई दर्शन और साई दर्शन एक होटल है और नौगा ट्रेडर्स, यहाँ चोरी हुई थी। उस चोरी के अंदर काफी सारे मोबाइल चोरी गए थे, तो हमारी टीम इसका तपास बहुत दिनों से कर रही थी। यहाँ पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज, फिर थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी, उसके बाद में हमारे इन्फॉर्मर्स, उन सब के पीछे हमारी टीम लगी थी और उनको ये मालूमात मिली कि ये मालवन के आरोपी है, तो हमारी टीम मालवन तक गई। मालवन जाने के बाद में वहाँ पर उनको आरोपी नहीं मिले, फिर उनका काम तो चालू ही था, फिर उनको पता चला कि ये वसई में आए हुए, तो वसई में हमारे पूरे डिटेक्शन की टीम ने सीनियर पिया चौगले उनके अंडर में उन्होंने वहाँ सापला रचाया और वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद में इनका नाम एक इमरान अंसारी उर्फ मोनू और शफीउल्लाह अतुल्ला खान उर्फ सोनू, ये दोनों को पकड़ने के बाद में उनसे 20 मोबाइल फोन, 53 ग्राम सोना, 42 ग्राम चांदी, एक मोटरसाइकिल, 1,600 रुपये कैश और ऐसा कुल मिला के 4 से 4.5 लाख का माल बरामद किया इन लोगों से। और इन्होंने कम से कम 15 गुने इनसे ओपन हो गए, उसमें से 10 पेल्लार के, एक आचोड़ा पुलिस स्टेशन का है, एक गोरेगांव पुलिस स्टेशन का है और 3 वसई रेलवे पुलिस स्टेशन के, और इसके पहले भी उनके ऊपर कम से कम 10 से 12 गुने दाखिल हुए ये आरोपी के ऊपर। तो इन्फॉर्मेशन के अनुसार सर, ये नालासोपारा वसई विरार के रहने वाले और इतने गंभीर गुनाहों में लोग शामिल हैं, इस पर क्या कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने वाले हैं आगे? अभी उनको अभी सिर्फ गिरफ्तार किया, इनसे ये माल बरामद हुआ है, अभी और तहकीकात किए जाएंगे तो उन्होंने और कौन से गुने किए क्या, इनके पास इनके साथ में और कोई साथीदार थे क्या, ये सब चौकसी करने के बाद भी इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई का हमने प्रयोजन किया है। ज्यादा गुनाह कर रहे हैं ये लोग और इसके साथ ही 14-15 आपने बताया गुने इसमें डिटेक्ट हुए हैं, तो किस तरीके का गुनाह करते थे, क्यों कर? बेरोजगारी तो है ही उसमें, और लेकिन इनके लिए कैसा है कि एक आसान तरीका है पैसा कमाने के लिए, ये इनका पेशा ही है। और जब इनके ऊपर इतने गुने दाखिल है जो रिकॉर्ड पर है, ऐसे भी कुछ गुने हो सकते हैं कि जिन्होंने दाखिल नहीं किए हैं, और लेकिन इतने गुने उनका रिकॉर्ड है तो इसका मतलब उनका पेशा ही है, धंधा ही है। और वो घर का ताला तोड़कर उसके ऊपर नजर रख के ऐसे घर को टारगेट बना देते।